गाइस ये टाइशन है ना, ये पूरा दीवार को गंदा कर दिया था ऑयल पेंट से, तो इसलिए मेरी बहन अभी मेरी सिस्टर थीनर और सैंड पेपर से इसको रिमूव कर रही है और ये गुस्सा हो गई बिकॉज आई एम टेलिंग अबाउट हर इन वीडियो एंड शी इज फीलिंग बैड फॉर इट. यू हैव डन द एक्सेप्ट योर मिस्टेक, यू हैव डन दैट, इट्स योर मिस्टेक. आपने इतना ऑयल पेंट लगा के, ओ शी गॉट एंग्री, शी इज हिटिंग मी. She's so bad. This video will go to your teacher also. Taisha, I'll show this video to your teacher. No, I'm helping. No, I will show this teacher. You will do I will show this video to teacher. Will you be doing what, again? What you have done, you have hated me. I'm going to show this video to your teacher. Tell sorry. Tell sorry. Say sorry. Tell sorry. Say sorry. Say sorry. I'm not going to do it again. Say sorry, Varsha. She's not listening. I'm going to forward this video to her tuition teacher and class teacher. See now what I will do. She is a very bad child and very rebel child. And whenever we talk about her, तो ये सारा तो इसने दीवार खराब किया था. अब मैं इसके बारे में बोल रही हूँ वीडियो पे, तो ये गुस्सा हो गई. बट जाने दो, एनीवे बच्चे मस्ती करते हैं. इट्स ओके, शी इज क्लीनिंग आल्सो, यू आर क्लीनिंग आल्सो, यू आर क्लीनिंग, आई मेंशन दैट यू आर क्लीनिंग इट, सो बी ओके फॉर दैट. शी इज क्लीनिंग, शी डिड, नाउ शी इज रिमूविंग ऑल द स्टेन्स वॉट एवर शी हैव अप्लाइड ऑन द वॉल. She told me she will not do again. हाँ, she is like, see, she has done mistake. Now she is removing all the stains which was remaining on the wall from last 2 years. Now it has been, it is being removed by Taisha and her mom. See, even this section has been removed very nicely by both of them. Now they are removing this section. It's good. They're working hard. And the entire thing is working. They are doing for, sorry, the entire cleaning and painting session is going for Ganpati. So, yes. Stay tuned. Bye-bye. We will, ये होने के बाद, उसके बाद before and after मेरी दीदी painting करके दिखाएगी ना, तो वो video डालेंगे. ये है ना बिफोर, मतलब बिफोर में तो इससे भी गंदा था गाइस. हमने बहुत सारा निकाला, बाद में रियलाइजेशन लिया कि फोटोशूट किया नहीं. व्हाट आर यू डूइंग टाइशा? आई एम टू द पेंटिंग्स जस्ट टू रिलीज ऑल माय पेंटिंग टू द ईस्ट रोड. ओके, सो यू हैव ट्यूशन टुमारो एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? आई एम हेल्पिंग टू मम दिस पेंटिंग. नो, बट यू हैव टू स्लीप नाउ, यू हैव ट्यूशन टुमारो, गो एंड स्लीप. नो, आई एम हेल्पिंग टू मामा. This is painting to this toy, this wood, this were there, wrote this, and now to painting this, or this stuff, or this, the doors, the nuts. Okay. तो गाइस अभी जो देख रहे थे ना, यही हम निकाल रहे थे क्योंकि ये पेंट करने के बाद भी ना ऐसा दिख रहा था डल, तो फिर हमने इसी को घिस रहे थे मीन में. और ये देखिए वाइट वाइट जो पैचेस दिख रहा है, यही वही है. देखो ये देखो ये देखो ये देखो देखो ये देखो ये देखो ये देखो गाइस, पूरा पार्टिकल्स देखो इतना पूरा इधर. तो गाइस ये देखो रोलर है, मैंने ऑलमोस्ट आधा पेंट कर दिया गाइस. ये देखिए इससे थोड़ा कैसे आसान हो जाता है गाइस रोलर लेने से. और इस तरह आपको यू करना है पेंट. ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत ग्रेट डिफरेंस दिख रहा होगा क्योंकि उसको निकालना है ना, तो वो फिर इस तरह हो गया है.
ये देखो गाइस, देखिए इसको फिर पूरा लेवल करना पड़ेगा इस तरह। ऐसा हो चुका है और ये बंद कर देते हैं मिस्टर बीन, क्योंकि ईशान देखता है मिस्टर बीन कार्टून तो क्लोज। और गाइस ये देखो पूरा रूम है ना, धुआं 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 पार्टिकल्स ऐसे उड़ रहे, पूरा देख सकते हो आप। ओह माय गॉड, दीज आर द पार्टिकल्स जो ये पूरा रूम में एकदम धुल 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 दिख रहा है ना। और ये देखिए गाइस, इतना उसने किया था ना ऑयल पेंट, बाकी का तो ठीक है कम दिख रहा, बट यहाँ पे इतना तो डार्क था ना तो बहुत ही गंदा था। फिर उसने उसको निकाला और यहाँ पे भी था, तो गाइस देखो इस तरह ये है। तो मैं सोच रही हूँ ना सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये वॉल पे पूरा इतना कर दूँगी और ये पूरा वॉल पे कर दूँगी, तो लग जाते हैं अभी काम पे। और इसको भी पहले पूरा निकालते हैं, फ्रेम फ्रेम को फिर स्टार्ट करेंगे पूरा वॉल। और हालत देखो गाइस, तो गाइस अभी हो चुका है और अभी भी मेरी आवाज़ काफ़ी बहुत, मतलब मैंने ना बाद में स्टॉप कर दिया था और बहुत देर से आराम ही किया क्योंकि गला और थोड़ा फीवर हुआ, दवाई खाया है बट अभी मेरे को लगता है फिर से खाना पड़ेगा। 3 hours के ऊपर हो चुका है और ढंटना। तो गाइस ये हो गया कैप्चर, यहाँ पे काफ़ी दाग थे आप देख रहे हो, तो आवाज़ आ जब हम कर रहे थे, तो अब ठीक हो चुका है ये। और यहाँ पे भी सब ये कर्टन्स हमने सुखाने के लिए डाले हैं, तो इसको अभी हम ठीक से रख देंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े बाहर सूख रहे हैं हमारे, कुछ कपड़े यहाँ सूख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह हमारे कपड़े सूखा जा रहा है और अब पूरा क्लीन हो जाएगा एकदम ही। और फिर मुझे बहुत कुछ करना है गणपति के लिए, तो यहाँ पे हमारी तैयारी होगी, गणपति जी यहाँ पे हमारे बैठेंगे, तो अच्छा लग रहा है कलर है ना। तो या भाई, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। होप सो अगर आपको पसंद आया हो ये व्लॉग तो ज़रूर लाइक, सॉरी हाँ लाइट आ रहा है, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारा ईशान। तो गाइस अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलना गाइस, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कुछ और करना है क्या है कैसे भी, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए और सपोर्ट करते रहना। जो नए लोग हैं जल्दी जाइए अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय द नेहा व्लॉग एंड टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।